आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल ऑमलेट, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। तो भी आज जो हम ये वेजिटेबल ऑमलेट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे जो बेल्कनी गार्डन है उससे ही मैं यहाँ पर हरे प्याज और हरे लहसुन जो है वो कट कर रही हूँ और उससे बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ऑमलेट। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा दूसरा चैनल जो कि गार्डनिंग विद कांता है नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाकर के विजिट कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा वो चैनल और उसमें अपलोड सभी वीडियोज़ भी ज़रूर पसंद आएंगे। छोटी सी जगह में मैंने गार्डनिंग की है। तो चलिए जी, हमने तो यहाँ पर हरे प्याज और हरी जो लहसुन है वो अपने बेल्कनी गार्डन से कट कर ली है और अब हम करेंगे आगे की तैयारी। इसमें से मैं लूँगी लगभग एक से डेढ़ मुट्ठी ये दोनों मिलाकर के हरे लहसुन और हरे प्याज की, और फिर हम कर लेंगे इन्हें बारीक बारीक कट और करेंगे आगे की तैयारी। देखिए कितने ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं ना भाई, बहुत मज़ा आता है अपने गार्डन से जब आप हार्वेस्टिंग करते हो ना, और चाहे वो थोड़े हो क्वांटिटी में लेकिन उन्हें अगर हम अपने खाने में यूज़ करते हैं तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत ही खुशी मिलती है। तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है लगभग एक से डेढ़ मुट्ठी जो है हरा प्याज और लहसुन, बाकी का मैंने रख दिया है, उसे भी हम कुकिंग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिए हैं चार अंडे और इन्हें मैंने फोड़ लिया है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ये कटे हुए सारी हरी हमारी सब्जी, यानी हरा लहसुन और हरा प्याज। उसके अलावा मैंने लिए है यहाँ पर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ही है सब्जी मसाला। और अब हम यहाँ पर चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से फेंट रहे हैं। आप चाहे तो अगर आपके पास एक जो होता है ना बीटर, उससे भी आप बीट कर सकते हैं। कुल मिला के हमें अच्छे से इसे फेंटना है, थोड़ा सा फ्लफी बनाना है। तो देखिए हमने फर्स्ट क्लास इसे जो है अब चम्मच से फेंट लिया है और अब हम करेंगे आगे की तैयारी। भाई अभी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करना है हमने, यानी और भी वेजिटेबल्स। तो पैन को रख लिया मैंने गैस के ऊपर और ऐड कर लिया है 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और अब हम इस तेल को, यानी जो ये पैन है और तेल है, इसे थोड़ा सा ही गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब लगभग 30 सेकेंड बाद जो फेंटे हुए अंडे हैं हम ऐड कर लेंगे इस पैन में। भी हमें बहुत ज़्यादा तेज पैन गरम नहीं करना, ना ही तेल, क्योंकि नहीं तो रखते ही ना जो ये ऑमलेट है वो जमना शुरू हो जाएगा और हमें ऐसे नहीं करना। हमें धीमी आंच में धीरे धीरे इसे कुक करना है, तभी तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा ना। और अब हमने धीमी आंच रखी हुई है बिल्कुल और ये पक रहा है। नेक्स्ट 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे ताकि ये अच्छे से निचली साइड से कुक हो जाए और इसी तरह बिना ढके। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ऑमलेट है वो थोड़ा सा फ्लफी हो गया, यानी फूलने लग गया है और ऊपरी साइड हल्की अभी गीली है। तो इसी स्टेज में हम यहाँ पर ऐड करेंगे यह फ्रेश मटर, हरी मटर होती है ना, इन्हें मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा ये है टमाटर के स्लाइसेस जो मैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस में लगा रही हूँ। और साथ ही में अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज। भाई बहुत ही मज़ेदार टेस्टी वेजिटेबल ऑमलेट बनकर के ये तैयार होती है और लगभग 3 से 4 लोग आराम से इसे खा सकते हैं, यानी 3 से 4 लोगों के सर्विंग के लिए ये इनफ है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रहने देंगे और यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर रही हूँ, ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे ना, अब तक तो ये लो फ्लेम में कुक हो रहा था, हम इसे ढक देंगे और इस पैन को उठाएंगे और नीचे रख देंगे एक तवा, और फ्लेम को लो से थोड़ी सी ऊंची कर देंगे और इसे धीरे धीरे कुक होने देंगे आराम से। और अब हमने इसे हटाकर देखा ढक्कन को, तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर फ्लफी सा ऊपर ये ऑमलेट हो चुका है, यानी ये कुक हो चुका है अंदर से काफ़ी हद तक, बस ऊपर से थोड़ा सा गीला है, हल्का गीला है, ज़्यादा नहीं। तो इस स्टेज में जिस प्लेट से हमने ढका था ना, हम इसके ऊपर रखेंगे और बहुत ही जेंटली इस तरह से इसको डिश आउट करेंगे ऑमलेट को। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। और अब हमें इसे कुक करना है ऊपरी साइड से, जो कि जहाँ पर हमने वेजिटेबल्स ऐड की थी ना, तो बिल्कुल हम सेम उसी तरीके से इसे कुक करेंगे। इसको ढक देंगे प्लेट से और फिर हम तवा यहाँ पर लगाएंगे फिर से और लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में इसे कुक होने देंगे जब तक कि ऑमलेट में से अच्छी सी कुक होने की खुशबू नहीं आ जाती। और अब ये देखिए, वाओ कितना सुंदर कलर आया, बहुत ही सुंदर भाई। तो चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। तो हमने तवा हटा लिया ताकि कंफर्टेबली हम इसे डिश आउट कर सकें और फिर से हम वही प्रोसीजर करेंगे, प्लेट को रखेंगे इस तरीके से और डिश आउट करके चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार, एकदम मस्त हमारी वेजिटेबल ऑमलेट हो गई है तैयार और गैस को हमने कर लिया है बंद।
भाई लग रही है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने पैनकेक तैयार किया होगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाया, पैन में बस नीचे रखा है तवा, और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास वेजिटेबल ऑमलेट बन करके तैयार हो गई है। और मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें कि ये ना केवल दोनों साइड से कुक हुई है बल्कि जो अंदर है वहाँ से भी फर्स्ट क्लास कुक हो चुकी है। कितना टेस्टी हमारा यहाँ पर ऑमलेट तैयार हो गया ना, और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हमने इसे बनाया है भाई। इस तरह से खाने में ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।